सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर चर्चा में आया अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अनुच्छेद 370 एक बार फिर से अचानक चर्चा में आ गया है। मगर क्या हम पूरी तरह अनुच्छेद 370 को जानते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शुजा पास और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 के बारे में और बहुत सरल भाषा में आपको अनुच्छेद 370 को समझाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 का निर्णय वैध था और ये निर्णय जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए लिया गया था। धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करता था। इसे भारतीय संविधान में अस्थायी और विशेष उपबंध के रूप में भाग 21 में शामिल किया गया था। बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण 4 साल बाद ये अनुच्छेद फिर चर्चा में आ गया है। इससे पहले कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती दी गई थी जिससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में थी, जिसे लेकर सोमवार को फैसला आया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। ये कानून जम्मू कश्मीर में करीब 7 दशक से चला आ रहा था। दरअसल अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया कि 3 विषयों के आधार पर यानी विदेश मामले, रक्षा और संचार पर जम्मू कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। मार्च 1948 में महाराजा ने शेख अब्दुल्ला के साथ राज्य में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिससे अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। अब जरा जान लेते हैं कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान क्या थे। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके चलते जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग था। अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी। अनुच्छेद 370(1)(c) में उल्लेख किया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब है कि ये अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 3 में कहा गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी करके जम्मू और कश्मीर के संविधान को निष्प्रभावी बना दिया था। इसे संविधान आदेश 2019 CO 272 नाम दिया गया था। धारा 370 हटने के बाद पिछले कुछ समय में राज्य में पर्यटन में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। जहां घाटी में दशकों बाद सिनेमा खुलने लगे तो वहीं पत्थरबाजी की घटनाएं और बंद के आवाहन लगभग शून्य हो चुके हैं। राज्य में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुल रहे हैं और एक नया जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहा है। अनुच्छेद 370 पर हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।